पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नया मुरादाबाद सेक्टर 10 स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा वृक्ष लगा कर किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी संस्था के सदस्यों से पुरजोर अपील की कि सभी लोग अपना दायित्व समझे और ज्यादा से ज्यादा लोग वृक्षारोपण करें और वातावरण को हरा भरा करने का काम करें। उन्होंने सभी को भरोसा भी दिलाया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो हम सब लोग सदैव उनके साथ खड़े हैं। पर्यावरण को बचाने में जितना भी सहयोग हम लोगों से हो सकता है उसको बढ़ चढ़कर किया जाए। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि वो बीते कई वर्षों से समाज के हित को लेकर काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, जल को बचाने के लिए हमारी संस्था लगातार काम कर रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री शैलेश कुमार जी IAS के द्वारा इस विवेकानंद उद्यान के अंदर विभिन्न पौधों का रोपण किया गया, जिसमें आम के पेड़, नीम के पेड़, जामुन के पेड़, बेलपत्र के पेड़, ऐसे लगभग 41 पेड़ों की यहाँ पर जो है वृक्षारोपण किया गया है। और ये क्रम पिछले 6 वर्ष से निरंतर चल रहा है। ये 7वां वर्ष है कि इसमें भारत विकास परिषद ने पहली बार मुरादाबाद विकास परिषद के सहयोग से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यही रहेगी कि जो पेड़ लगाएं उनका हम ये व्रत हैं कि उन्हें हमें उन्हें सींचें, उनमें खाद लगाएं, उनकी खरपतवार साफ करें। खाली ये है कि 5 जून आया, पर्यावरण दिवस मनाया, पौधा लगाया, फोटो खिंचवाए, घर चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हम पौधे लगाएं वो फलदार पौधे हों, छायादार पौधे हों और कहा जाए कि आयुर्वेदिक भी लाभ उनसे हमें मिल सके। भारत विकास परिषद द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सेक्टर 10 में विवेकानंद उद्यान के रूप में विकसित किए जाने वाले स्थल का आज चयन किया गया है, जो पार्क सेक्टर 10 में स्थित है। इसमें परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आगे इसमें वृक्षारोपण किया है, हमारे द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया है और भारत विकास परिषद के तमाम सम्मानित सदस्यों ने भी वृक्षारोपण करके इसमें वृक्ष को लगाने का कार्य किया है। वृक्ष से पर्यावरण शुद्ध नहीं और वृक्ष के बिना कुछ जीवन भी नहीं। आमजन से अपील क्या रहेगी? आमजन से हमारी ये अपील रहेगी कि वे अपने घर के आसपास जहाँ भी सरकारी ज़मीन या रिक्त ज़मीन पड़ी हुई है, अविवादित ज़मीन जो हो उसमें वृक्ष लगाएं और उसकी देखभाल करें। और वृक्ष से ही जीवन है, आने वाला समय जो है वो वृक्ष के लिए होगा। और मेरे तो मानना यह है कि ये पूरा वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरा वर्ष के मनाना चाहिए, प्रत्येक दिवस वृक्ष लगाना चाहिए। और जुलाई में जब बरसात होने वाली हो तो उस समय 4-4, 6-6 वृक्ष हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।